हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो वेक्टर वेक्टर क्या है? जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है उसको वेक्टर बोलेंगे। 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, अगर ये पॉइंट ए से 5 किलोमीटर बोलने से हमको किस ओर जाना है वो हमको फिक्स नहीं है, इधर जाना है या इधर जाना है। अगर उसको डायरेक्शन भी दिया जाता है इस ओर, सपोज ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में 5 किलोमीटर ईस्ट बोलने से तो इसका डायरेक्शन हो जाता तो इधर ही जाना हो तो यहाँ पहुँच जाते कोई भी एक पॉइंट बी। तो हम ये 5 किलोमीटर ईस्ट बोलने से 5 किलोमीटर किस ओर जाना है वो भी हमको पता चलता। सो एक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन भी हो तो हम वो चीज़ को बेहतर समझ सकते, इसीलिए वेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वेक्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर लाइन है, एक एल है, एल लाइन, सो एल लाइन तो दोनों ओर से एक्सटेंड हो सकते, इधर भी हो जाएगा उधर भी जाएगा। तो इसको अगर एक एरो हेड डाल देने से इस प्रकार, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन। इसका एक डायरेक्शन है। सो इस डायरेक्टेड लाइन से अगर कोई एक पार्ट लिया, सपोज ए बी, तो ए बी को बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए बी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसका एक लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करने से जितना भी लेंथ है वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वो है। और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, ए टू बी इसका डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सपोज ये ए बी है। सो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से क्या समझ सकते हम, एक डायरेक्शन समझ सकते, डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी की ओर, ईस्ट और डायरेक्शन। और इसका लेंथ, लेंथ हमको मैग्नीट्यूड देगा। तो इस प्रकार का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ इसका मैग्नीट्यूड देगा, और इसका जो भी डायरेक्शन है ए से बी, जिस ओर मुड़ा है इसका एरो, तो वो इसका डायरेक्शन देगा। सो इसी प्रकार से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई जेड, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट सपोज पी, तो ये पी पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो पी पॉइंट का पोजीशन ये पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और उस वेक्टर को हम इस पॉइंट का पोजीशन, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो वो पोजीशन वेक्टर क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ पे भी हो, ओ और पी को ज्वाइन करने वाला जो भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी, और इसको हम यूजुअली पी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका लेंथ कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह कोई भी पॉइंट ए बी सी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा, और इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो हर पॉइंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हर पॉइंट एक वेक्टर दे सकता है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन को विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और उस वेक्टर को हम वो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। सो पोजिशन वेक्टर कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई भी पॉइंट और ओरिजिन कनेक्टेड, जो भी वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा
उस वेक्टर को हम वो गिवन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं ओ एक्स वाई जेड और कोई भी एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ओ पी ये तीनों एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल कर रहा है, से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये वेक्टर का ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस के ऊपर, से दिस इज परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होगा, ओ पी सपोज ए, इस ओ पी ए ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। देखने में ये लंबा होने से भी दिस इज ओ पी इज लॉन्गर देन ए पी क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया ये, यह डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा एक्स एक्स बाय और ये डिस्टेंस ओ पी, ओ पी इक्वल टू सपोज ओ पी मॉडुलस ऑफ ओ पी आर मान लिया एंड ओ पी इज आर सपोज आर वेक्टर, तो उसका मॉडुलस को जिस आर से सिंपल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। कॉस अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज आर, उसी तरह कॉस बीटा क्या होगा, ये वाई है और ये है आर एंड कॉस गामा जेड बाय आर। सो इसको हम ये क्वांटिटी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर ओ पी, ओ पी वैक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ये है। यहाँ पे अगर नोटिस करने से और इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉस बीटा को एम और इसको एन से, यहाँ से एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड जेड इक्वल टू आर कॉस गामा मिल रहा है। सो हम ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस गामा, इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे इसका डायरेक्शन डिस्टेंस तो इसका लेंथ जो है ये आर से रिप्रेजेंट किया और डायरेक्शन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और ये डायरेक्शन कोसाइन जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करता है। अगर देखें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एल स्क्वायर मतलब एल मतलब एक्स बाय आर, एक्स बाय आर होल स्क्वायर और एम इक्वल टू वाई बाय आर होल स्क्वायर एंड जेड बाय आर होल स्क्वायर। और ये कैलकुलेशन करने से आर स्क्वायर ऊपर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो आर इक्वल टू दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वन। सो हमेशा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जो है ये क्वांटिटी हमेशा वन होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी अगर रियल नंबर है एंड ए बाय एल बी बाय एम सी बाय एन, दैट मीन्स ए बी सी कोई रियल नंबर जो कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल हो, तो हम ए बी सी को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। तो कोई भी नंबर ए बी सी रियल नंबर जो एल एम एन का प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे।
एंड डायरेक्शन रेशियो के केस में ये रिजल्ट होल्ड करना जरूरी नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।